हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करते नमस्ते। हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल निकिता मीना ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग भी आपके लिए बहुत ही खास दोस्तों, होगा। आप हमारे चैनल पे इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। हमारा चैनल निकिता मीना ब्लॉग के नाम से है। पहले हमारे चैनल का नाम टाटू फैमिली था, लेकिन हमने चैनल का नाम चेंज कर लिया और चैनल का नया नाम जो हमने रखा है निकिता मीना ब्लॉग के नाम से है। मेरी और गुड़िया का नाम है निकिता मीना, परिवार हाँ का दूसरा दोस्तों, नाम। आपने हमारी पिछली दो व्लॉग को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। हम बहुत खुश हैं। आप हमारे व्लॉग्स पर, वीडियो पे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो और हमारे चैनल पे। तो हमारे जो पिछले दो वीडियो को आपने इतना जो सपोर्ट दिया, उसमें कुछ कमेंट किए थे, ज़्यादा कमेंट आए थे, कुछ सवाल किए थे आपने, तो हम उनका जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। तो यदि आपने हमारी महाशिवरात्रि स्पेशल ब्लॉग वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आपको नीचे लिंक दे जाके देंगे और शादी में चाक पूजने वाली वीडियो का भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप वहां जाकर, लिंक पर जाकर देख लेना। तो जो फ्रेंड ने तो उन्होंने और यदि चैनल पे जो फ्रेंड नए हैं, तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लेना, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले, तो और आपको नई नई वीडियो टाइम पे आपको मिले, नई नए नई नए वीडियो। ब्लॉग। तो दोस्तों, हम जितनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएं, ओनली फैमिली ब्लॉग बनाएंगे हम। तो आप इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट पारिवारिक बनाए रखना। संबंधित ही बनाते हैं हम, ज्यादा नहीं। और तो घर चलो में जो दोस्तों, काम चलता है कर उसके अनुसार। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अब। हम आपके कुछ सवालों के जो जवाब है वो देंगे, वो बताएगी ये सब। आपने जो कमेंट किया है तो उसका आंसर देना हमारी जिम्मेदारी है ना, तो तो आप उसे वीडियो को लास्ट तक देखना, हम सब चीज दिखाएंगे वो। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों बंद करते हैं स्टार्ट। जो आपने डिमांड की वो जरूरी है। ये मैंने शिवरात्रि पे पहना था, जिसके बारे में बोला था कि दीदी आपने ये ओढ़नी कहाँ से ली है। तो ज़्यादा तो आपको पता है ये सवाल तो किसका ज़्यादा होता है, लेडीजों का है ना। तो वो ही है, ये फुल टॉर होता है या कोई भाई प्रोग्राम होता है उसी में काम में लेती हूँ। तो हमारे एक छोटा सा मार्केट है डिगावरा, यहीं पड़ता है, 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। तो वहाँ से लेके आई थी मैं ये ओढ़नी। तो इसमें देखो 3-4 कलर है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसे किसी भी लहंगे पे अपन पहन सकते हैं। और इसका मुझे ये बॉर्डर है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये बॉर्डर, तो इसलिए। और इसका प्रिंट भी देखो एकदम लहरिए वाला है, और इसकी देखो कढ़ाई भी एकदम। तो मुझे अच्छी लगी थी। तो आपने पूछा था कि दीदी ओढ़नी कहाँ से ली है, तो मैंने ये ढिगावड़ा से ली थी। हमारा एक छोटा सा मार्केट है पास में, ये 5 किलोमीटर दूर है, राजगढ़ तहसील में पड़ता है। और वहाँ छोटा सा कस्बा है, ज़्यादा बड़ी सिटी भी नहीं है, पर वहाँ पे मीणाओं का जैसे भी है पहनाव के अनुसार, बच्चों का, लेडीजों का, सभी का मिलता है। तो मुझे ये ओढ़नी लेके आई थी वहाँ से। और इसके साथ में लहंगा, आपने पूछा था ना कि देखिए इसके साथ में लहंगा क्या है, इसके साथ में ये मैं प्रिंटेड लहंगा लेके आई हूँ, अनार लहंगा। इसके साथ में ये अनार लहंगा लेके आई थी। तो और इस पे अपन ब्लाउज तो कैसा भी शेयर करते हैं, क्योंकि ये मल्टी कलर में है। तो मल्टी कलर में तो अपन भी जानते हैं कोई सा भी ब्लाउज हम शेयर कर सकते हैं, पर मैंने इसके साथ में ये ब्लाउज शेयर किया था, ये वाला। अभी तो वैसे ही रखे थे, ये वाला ब्लाउज शेयर किया था। क्यों, ये मल्टी कलर में होता है, उसके साथ तो अपन कैसा भी ब्लाउज शेयर कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया। ये मैंने शिवरात्रि पे यूज पे लिया था, शिवरात्रि पे पहना था। तो आपने पूछा था कि दीदी आपका बेस बताना, आपने कहाँ से लिया था, ये ओढ़नी कहाँ से ली थी। तो मैंने देखो ये बताया, अब दूसरा भी बताती हूँ। मैं ये भी सवाल रहता कि दीदी इसकी रेट कितनी रहेगी, तो मैं इस ये डिमांड भी आपकी पूरी कर देती हूँ। ये मेरे दोनों सेट है ना, लहंगा और ये ओढ़नी और ब्लाउज, मतलब ब्लाउज मैंने अलग से लिया था, पर इसी को। आपका सवाल रहता है कि दीदी ये कितने की है, तो ये 2000 की है। और ये तीनों सेट हैं, लहंगा ब्लाउज ब्लाउज इसी के अंदर और होल्डिंग, ये तीनों 2000 रुपये के। और अब दूसरा देखा, और क्या लेके आई थी इसके साथ में। मैं लेके आई थी, क्योंकि शादी का सीजन है, तो शादी में पापा को पता है कितने आइटम चाहिए। और मैं इनके साथ में के लिए चूड़े का सेट लेके आई हूँ, खोल के निकाल देती हूँ। यूज में लेने के बाद वैसे वैसे पैक करके रख देती हूँ, ऐसे में सिंपल कर। ये सेट है,
इसके साथ में, क्योंकि मल्टी कलर में ग्रीन भी है, रेड भी है और गोल्डन भी है, तो इसके साथ में बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं ये लेके आई थी इसके साथ में ये सेट। ये सेट में 600 रुपये का लेके आई थी। बहुत हैवी है ये, शादी में पहनने के लिए लेते हैं। लहंगा देखो कितना है। मैंने इसको पहना नहीं था, इसका ब्लाउज यूज में लिया था, क्योंकि ये हैवी था और करीब हमको 2-3 किलोमीटर दूर गए थे हम चाप पूजने के लिए, तो उनकी परेशान हो जाएंगे इस लहंगे में, तो इसलिए मैं पहन के नहीं गई थी, निकाल के वैसे वैसे रख दिया। तो इसका ब्लाउज यूज में लिया था साथ में, और अब दिखाते हैं इसकी ओढ़नी भी। ये तो लहंगा और ये इसका ब्लाउज और ये है इसकी ओढ़नी, क्योंकि इसके मैंने गाजर कलर का ये अस्तर भी लगवा रखा है, क्योंकि गांव में थोड़ी सिकल दिखाई देती है, तो गांव में आपको पता है बहुत ज़्यादा नाव रखते हैं, इसलिए इसके मैंने देखो नीचे अस्तर लगवा रखा है, पिंक कलर में है तो अच्छा लग रहा है, और साथ में मैंने इसमें गाजरी कलर का ये लगवा दिया, एकदम बॉर्डर के मैचिंग का ले लिया था, और इसका साथ का दिखाती हूँ जोड़े भी आपको। देखते हैं पसंद आते हैं, ये तो पसंद आ गया क्योंकि ये तो मैंने पहना था ओढ़नी वाला, तो अब इसका साथ के चूड़े और दिखाती हूँ। ये तो इसके साथ में पहनने के लिए लटकन लेके आई थी। अरे यार ये तो देखो, ये लटकन लेके आई थी, ये मैं पीछे को लगाने के लिए, ये आगे को लगाने के लिए लेके आई, ये लटकन लेके आई थी इनके साथ में, ये क्योंकि इसका चूड़ा है ना, इसका चूड़ा ही है, क्योंकि इसमें सभी कलर में, रेड में भी है और ग्रीन भी है और गाजरी भी है, तो ये मल्टी कलर में है एकदम चूड़ा, देखो तो इसके मैचिंग का ये चूड़ा लेके आई थी। ये चूड़ा मैंने उसमें पहना था चाक पूजन में इसके साथ, तो ड्रेस नहीं पहनी पर ब्लाउज पहनी थी, तो कैसा लगा, और ये बेस कैसे लगा, और अब एक और दिखा देती हूँ मैं आपको, दोनों हाथों के हैं, सिंगल हाथ का नहीं है, देखो मैंने अलग अलग सेट करके ले लिया, अब एक मैंने पीछे आगे पीछे बंगड़ी लगवाई हुई है दोनों हाथों के हैं। ये लहंगे पे पहनने के लिए लाई थी घाघरा लुंगड़ी में, और ऐसे भी इसमें मल्टी कलर अपन चाहे तो इस पर भी यूज में ले सकते हैं, देखो मैच कर रहा है, और ऐसे तो इस पर भी मैच कर रहा है, देखो पर मैंने अभी इसको यूज में नहीं लिया, ये दोनों यूज में ले लिए, आपको बताना है कैसा लगा कमेंट में। मेरे सभी लहंगे लांचा चूड़े तो कौन सी, भाई एक चीज तो आपको पसंद आ गई ओढ़नी, तो अब लांचे भी देखते हैं आपको पसंद आते हैं या नहीं आते, तभी देखते हैं अपन। यदि आपको लांचे पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना चूड़ा कैसा लगा, क्योंकि ओढ़ने वाला वेस्ट आपको पसंद आ चुका है, अब देखते हैं ये पसंद आए ना आए, अगर पसंद आए तो आप कमेंट में जरूर बताना हमको। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको टाइम टाइम पर नई नई वीडियो मिले, और साथ में घंटी जरूर दबा लेना जिसका नोटिफिकेशन आपको पास में आते रहे। तो चलो बाय, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।